रिंकू है तो फिर डर कैसा, कंगारुओं को अपनी बैटिंग से कर दिया ऐसा वैसा। रिंकू सिंह बन गए भरोसे का दूसरा नाम, कंगारुओं ने समझा था उन्हें आम। टीम इंडिया को मिल गया नया मैच फिनिशर, बड़े ही कूल अंदाज में लगाते हैं सिक्सर। नई टीम इंडिया में अब भरोसे का दूसरा कोई नाम बन गया है तो वो है हमारे रिंकू सिंह। रिंकू ने जिस कदर मैच फिनिश किया उसने सभी फैंस को एक बार फिर से मुस्कुराने का मौका दिया। स्टेडियम में दर्शकों ने रिंकू का ऐसा जोश देखा, सभी ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 इंटरनेशनल इतिहास का अपना सबसे बड़ा टारगेट साध लिया। पहली बार कप्तानी कर रहे सूर्य कुमार यादव के बाद रिंकू सिंह की शानदार पारी के बूते भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन चेज कर लिए। ये पहली बार नहीं है कि फंसे हुए आखिरी कुछ ओवर में रिंकू ने ऐसा किया हो। हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में रिंकू ने ऐसा पहली बार किया है, लेकिन IPL में ही रिंकू ने दिखा दिया था कि मैच फिनिशर के तौर पर उनका कोई हिस्सा नहीं। जब उन्होंने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को मैच जिताया था। रिंकू सिंह की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने काफ़ी कम मुकाबले खेले हैं और ऐसे हालात में इस लेवल पर उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। हमारा मतलब है IPL टूर्नामेंट में रिंकू ने इसकी कई बार झलक भी दिखा दी थी, और जब इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें मौका मिला तो उन्होंने साबित भी कर दिया। अब तो रिंकू T20 क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए भरोसे का दूसरा नाम हो गए। सूर्या भी यही कह रहे होंगे कि रिंकू है तो फिर क्या गम है। रिंकू ने दिखा दिया कि चाहे कितना भी प्रेशर हो, बड़े ही कूल और काम अंदाज में उनको दबाव को हटाना आता है और बड़े शॉट्स खेलना उनके बस की बात है। रिंकू ने 14 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली। हालांकि 14वें गेंद पर उन्होंने एक बड़ा छक्का जड़ा, लेकिन नो बॉल होने के कारण उनका ये रन काउंट नहीं हुआ। अब जब 20वें ओवर के आखिरी गेंद नो बॉल हो गए तो टीम इंडिया ने एक बॉल रहते हुए ये मुकाबला 2 विकेट से जीत लिया। लेकिन इस मुकाबले में अगर सूर्या ने जीत की नींव रखी तो रिंकू ने मैच फिनिश कर टीम इंडिया को जीत दिलवाई। ऐसा नहीं है कि रिंकू को ये मौका इतनी आसानी से मिला। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो रिंकू सिंह ने अब तक अपने 6 T20 इंटरनेशनल में 194 की स्ट्राइक रेट से और 97 की औसत के साथ कुल 97 ही रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बेस्ट 38 रनों का रहा है। वहीं उन्होंने 42 फर्स्ट क्लास मैचों में 57.82 की एवरेज से 3007 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट 163 रनों का रहा है। वहीं 55 लिस्ट ए करियर में 49.83 की औसत से रिंकू ने कुल 1844 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बेस्ट 104 रनों का रहा है। इसके अलावा उन्होंने कुल 104 T20 मुकाबलों में 145.77 की शानदार स्ट्राइक रेट से 2121 रन बनाए। वहीं उनका बेस्ट स्कोर 79 रनों का रहा है। हमारे कहने का मतलब यह है कि खरा सोना ऐसे ही रिंकू नहीं बना, कई बार तपाए तब जाकर उसने ये साबित किया कि टीम इंडिया उस पर पूरी तरह भरोसा कर सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो रिंकू कंगारू टीम के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में छा गए। और आपको बता दें कि रिंकू जैसे खिलाड़ी ने लाइफ में कई थपेड़े खाए, अपने जीवन के उतार चढ़ाव को देखा, लेकिन क्रिकेट को लेकर अपनी जिद नहीं छोड़ी। और आज रिंकू इस मुकाम पर पहुंच गए कि उनका इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का सपना पूरा हुआ। और सबसे बड़ा सपना तो ये था कि उनके बैट से टीम इंडिया की रिकॉर्ड जीत मुकम्मल हुई। रिंकू सिंह की मैच फिनिशिंग पारी पर आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।